नाओमी ओसाका आसान जीत से चौथे दौर में पहुंची, डेनियली कॉलिंस को हराया। विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी और गत चैंपियन नाओमी ओसाका ने अमेरिका की डेनियली कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हराकर WTA इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली ओसाका अगले दौर में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक से भिड़ेगी। इस 23वीं वरीय खिलाड़ी ने रूस की एकटेरिना अलेक्सांद्रोवा को 6-4, 6-2 से पराजित किया। तीसरे दौर के अन्य मुकाबलों में तीन बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जेले कर्बर ने पहला सेट बनवाने के बाद वापसी करके रूसी क्वालिफायर नतालिया विखलायंतसेवा को 3-6, 6-1, 6-3 से हराया। उन्हें अब बेलारूस की आर्याना सबालेंका का सामना करना होगा, जिन्होंने लेसिया स्रेंको को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स ने हमवतन अमेरिकी क्रिस्टीना मैकाले को 6-2, 7-5 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्हें मोना बाग्देल की चुनौती से पार पाना होगा, जिन्होंने हमवतन जर्मन खिलाड़ी जूलिया गार्जेस को 7-5, 1-6, 6-4 से हराया। चेक गणराज्य की पांचवीं वरीय कैरोलिना प्लीस्कोवा ने बेल्जियम की क्वालिफायर येसलाइन बोन में चरपर 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की।